प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और सेवक हनुमान जी की आज जयंती है। जी हाँ, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हम यहाँ पहुँचे हैं जबलपुर के खारी घाट स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में, जहाँ आप देखेंगे कि अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रातःकालीन यहाँ के पट खुल गए थे भगवान के मंदिर के, तब से यहाँ पर श्रद्धालु इतनी मात्रा में यहाँ उमड़ रहे हैं और अभी भी जो है काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव कितने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ प्रभु श्री राम विराजे हुए हैं और यहाँ की आप सजावट देखिए, यह आपको एक मनोरम जो है दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही नहीं, यहाँ पर जो है लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। यहाँ के पुजारियों ने हमें बताया कि ये मंदिर जो है आप 500 वर्ष से अधिक से पुराना है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपने हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति देखी है, जिसमें आपने देखा होगा कि वे शनि देव को अपने पैरों के नीचे दबाए हुए हैं। तो ये भी, और इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये जो आप हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी से बहते हुए इनकी मूर्ति का जो है ये उद्भव हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ पर मंदिर स्थापित कर दिया गया जो कि 500 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर जबलपुर ही नहीं, यहाँ पर मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश स्तर पर जो है यहाँ के मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, वे सभी यहाँ इस मंदिर में आ चुके हैं, यहाँ पर पूजा कर चुके हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अर्जियाँ भी लगा चुके हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं पंडित जी, तो हम इनसे यहाँ पर सवाल जवाब करेंगे। पंडित जी, यहाँ पर आप कब से हैं? जी मैं तो पीढ़ियों से यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा। और हमारे आज यहाँ पर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कोरोना से कोई प्रभाव पड़ा है क्या? क्योंकि पहले के समय में देखें तो कम श्रद्धालु आते थे या ज़्यादा आते थे कुछ? नहीं, हाँ कोरोना का फर्क तो पड़ा है, परंतु जो श्रद्धालु जो उनसे मतलब हनुमान जी महाराज से प्रेम करते थे, उनका तो आना लगे ही रहता था। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि नर्मदा जी से जो है इनका उद्भव हुआ है, यहाँ से निकल के आ रही थी मूर्ति, यहाँ पर स्थापित हो गई थी। नहीं, ऐसा कहा गया है कि ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक मिट्टी का टापू नुमा था, तो कुछ परिक्रमावासी लोग आए और उन्होंने यहाँ पर रुकने की इच्छा व्यक्त की, तो वो रुके रहे। रुकने के बाद उन्होंने जब ज़मीन लेवल करने लगे ऊपर का, तो ऊपर का हिस्सा जो सिर होता है वो हनुमान जी महाराज को उनको दिखा। उन्होंने शोरगुल मचाया, तो फिर ये हुआ कि और खोदो, तो खोदने के बाद ये प्रतिमा। अच्छा, ये बताया जाता है मंदिर जो है 500 वर्ष से अधिक पुराना है। भी अधिक पुराना है, ये हजारों वर्ष पुराना भी आप कहेंगे तो, क्योंकि हमारी तो 6वीं पीढ़ी है वो जो कहती आई है कि हमारे पिताजी भी वही कहते थे, मतलब लगभग हजारों वर्ष पुराना है। तो यहाँ पर कई लोग आते होंगे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अर्जी लगाते होंगे? बहुत लोग आते हैं इच्छा पूर्ति के लिए अर्जी लगाते हैं, उनकी इच्छाएँ पूरी होती है और प्रभु की कृपा सब पे बरसती रहती है। आप इतने समय से यहाँ पर जो है सेवक के रूप में हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं? मेरा तो पूरा खानदान उनकी सेवा में लगा रहता था और जब से हो संभाला मैं उनकी सेवा ही में हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपने इतने समय तक यहाँ पर सेवा करी भगवान की, तो भगवान ने आपको सपने में दर्शन दिए हो या आपके साथ में कोई चमत्कार किसी प्रकार? तो हमेशा हमारे साथ रहे, सपने में तो छोड़ो, वो हमेशा साथ में रहे और हमारे कोई काम ऐसे रुके नहीं है, और सभी जानते हैं कि उनकी कृपा सब पे बरसती है, जो उनके पास आता है उनको मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जो है शाम के टाइम पे भंडारा भी होता है? हाँ, भंडारा भी होता है, अभी शुरू हो जाएगा, 11 बजे से शुरू होगा, तो ये रात को 12 पूरी रात तक चलता है भंडारा, बाबा जी की असीम कृपा है और बहुत लोग आते हैं इधर। तो मतलब हर साल जो है आप इसी तरीके भव्य तरीके से भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह भीड़ भाड़ रहती है। और दरअसल 2 साल कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा कम था, परंतु पूजा अर्चना तो होती थी। अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं कि भगवान के जो पैरों पे है शनि देव नीचे है, तो इसके पीछे की क्या गाथा है? उसकी एक अलग कहानी है, इनका शनि महाराज से उनका युद्ध हुआ था, तो युद्ध के दौरान उन्होंने शनि को दबोच लिया था और तभी छोड़ा था कि जब उन्होंने अपना वचन निभा लिया था कि आपकी उसी पे आपकी कृपा बनी रहेगी और कृपा के साथ साथ तभी हम आपको छोड़ेंगे। तो शनि महाराज के युद्ध के दौरान कुछ चोट भी लगी थी, तो उन्होंने तेल वगैरह मांगा था, तब से तेल चढ़ता है शनि महाराज, तब से शनि भगवान को तेल चढ़ाया जाता है। प्रायः लोग जो है शब्द का इस्तेमाल करते हैं जयंती, तो क्या जयंती? जयंती नहीं है ये, जयंती जयंती कहते जरूर है, ये जन्मोत्सव है, मतलब इसका सही उच्चारण जो है जन्मोत्सव होना चाहिए।
अब चूंकि जयंती जयंती सभी लोग कहने लगे हैं तो जयंती नहीं जन्मोत्सव है आज के दिन वो तो मतलब यहाँ पे शाम पहले के समय में यहाँ पर शाम के समय संगीत महोत्सव भी किया जाता है। संगीत होता है भगवान के संगीत तो हर साल होता है संगीत हर साल होता है मतलब आज भी होगा जन्मोत्सव भी होगा सायं 7 बजे से शुरू हो जाएगा। आप जो है कब से आ रहे हैं यहाँ मंदिर? मैं करीब 80 के आसपास की बात है जब ये मंदिर एक झोपड़ी नुमा मंदिर के रूप में था और यहाँ तिवारी जी हुआ करते थे। मतलब बहुत समय हो गया आपको? हाँ लंबा मैं आता था तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था की उनकी मंदिर के लिए ऊपर पानी गिरता था तिरपाल लगवाया ये किया तिवारी जी के कहने पे मतलब फिर हर शनिवार को मैं आके यहाँ सुंदरकांड करता था और जोर से उनको सुनाता था। और मैं कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और मेरे कॉलेज के काफ़ी कलीग लोग फिर आना शुरू हुए और धीरे धीरे करके मैं हर शनिवार को यहाँ आता था। और अभी बीच में कोरोना काल में मैं चला गया था भोपाल फिर मैं आ गया वापस तो अब शनिवार और मंगलवार को मैं नियमित रूप से आऊँगा। अब मैं चूंकि ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता हूँ इसलिए सुंदरकांड घर में करता हूँ। मतलब हफ्ते में 2 दिन आप यहाँ पर मंदिर में आते हैं? मैं उपलब्ध रहेंगे पहले हम शनिवार को ही आते थे मंगलवार को नहीं आते थे यहाँ शनिवार को ही मैं हमेशा आता रहा हूँ मतलब जो भी है। हमारे साथ यहाँ पर और भी जो है भक्तगण मौजूद हैं उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। सर आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं मंदिर में? मैं तो यहाँ बचपन से आ रहा हूँ। बचपन से मतलब सर? मैं जब 15 साल की उम्र से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ पर तो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अर्जी लगा जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती सुनते यहाँ अर्जी लगा देने से लोगों को पुत्र की प्राप्ति हुई है। लोग यहाँ आए हैं तो उनने कहीं गदा चढ़ा दिया मुकुट चढ़ा दिया कई लोगों को जैसे टिकट राजनेता लोग आते हैं इनको टिकट की प्राप्ति होती है वो टिकट की अर्जी लगा देते हैं। तो कई जैसे हमारे राम कुमार पटेल जी थे जो अपने मुर्रई से विधायक थे वो रेगुलर यहीं आते थे जब चुनाव के समय यहाँ आते थे और उनकी तरफ से भंडारे होते थे और उनकी अर्जी यहाँ लगती रही और यहाँ पर अपने विधायक जी की तरफ से और ये अर्जी वाले हनुमान जी बहुत पुराने हनुमान जी हैं और पूरा जबलपुर अगल बगल के ग्रामीण अंचल से भी लोग आते हैं दर्शन करते हैं। खासकर यहाँ शनिवार को बहुत भीड़ होती है। हनुमान जी के बाएं पैर से शनि को दबाए हुए हैं और जो हनुमान जी शनि को दबाए रहते हैं उसका बहुत महत्व होता है। इनको शनि की दशा होती है मंगल की दशा होती है वो यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है ये और ये भी कहते हैं सामने नीचे शिव पंचायत शिव मंदिर है उनका और हनुमान जी का बड़ा महत्व है। और भेड़ाघाट में 64 योगिनी हैं। ये जबलपुर में 3-4 मंदिर बड़े पुराने हैं। बाजनामाट भैरव मंदिर है ये यहाँ पर लोग आराधना करते हैं। और दो घटनाएं यहाँ के संबंध बताना चाहता हूँ। 2001 में हनुमान जयंती के दिन एक दिन पहले मैं यहाँ था। हमारी पत्नी जो है वो गई हुई थी देहरादून और मुझे खबर मिली कि उसको वहाँ हार्ट अटैक हो गया। तो मैंने कहा इनसे भगवान से कि मैं तो अभी पहुँच नहीं पाऊँगा आप पहुँचिए और इन्होंने पहुँच के उसकी जान बचाई और आज भी वो मेरे साथ है। दूसरी घटना मैं आज की बता रहा हूँ। आज मेरा प्रोग्राम था कि मैं सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँचूँगा लेकिन मुझे 3:30 बजे मेरे मोबाइल पर क्लिक हुआ एक घंटी बजी और मैं उठ गया। मैंने देखा कि इतने बजे किसका फ़ोन है लेकिन किसी का फ़ोन नहीं था मेरे तीनों फ़ोन पे कोई मिस कॉल नहीं था। तो ये एक चमत्कार है मत्स्य मंदिर का जो हमेशा मैं देखता आया हूँ। कभी भी कोई मनोकामना अगर है और आप यहाँ कह देते हैं तो तत्काल पूर्ण हो जाती है। अच्छा आप इतने समय से मंदिर से जुड़े हुए हैं इसलिए जो है हाँ ये हो सकता है ऐसा कि मंदिर से मैं लगातार यहाँ जुड़ा हूँ। मैं हमेशा ही इनकी जो फ़ोटो है अपने जेब में रखता हूँ नियमित रूप से। पहले तो मैं काफ़ी कुछ करता था लेकिन अब थोड़ा सा रिटायर्ड होने के बाद कुछ कम वो हो गई व्यवस्था। Yeah.
पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित भोले शंकर पांडे है। यहाँ पर जो है कब से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? हनुमान जन्म जब से मैं जुड़ा हूँ इसके पहले से यहाँ चला आ रहा है। अनवरत हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ। तो यहाँ पर जो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है इसका महत्व लोगों के लिए इतना? आज के दिन लाल जी का जन्मदिन है, आज के दिन हमारे लाल जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। जैसे रामनवमी के दिन राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से आज चैत्र पूर्णमासी के दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। और आज के दिन शास्त्रों में वर्णन आता है कि आज दिन लाल जी अपनी लीला प्रारंभ किए थे इस धराधाम में जन्म लेकर के। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा जी की कोख से भगवान जो है बहते हुए यहाँ पर प्रकट हुए? नहीं, ऐसा वर्णन आता है एक मतलब धर्मशास्त्र या भागवत से कहा जाए, उसमें एक सुंदर श्लोक मिलता हमको, कलौ दस सहस्त्राणी हरिम त्यजत मेदिनीम त्यदार्धम त्यजंती जानवी त्यदार्धम कुल ग्राम देवता। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय पे हमारे द्वारिकाधीश अपने धाम को धरा धाम को इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय पर उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आप जा रहे हैं लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि आपके विरह की जो ज्वाला है उससे मैं बहुत संतृप्त रहूँगा, तो कुछ तो बताते जाएं। तो भगवान ने कहा था कि मैं जा नहीं रहा हूँ, ये मेरा जो शरीर है, ये जो ये श्री विग्रह शब्द विग्रह में परिणित कर रहा हूँ। और उन्होंने भागवत में अपने श्री विग्रह को परिणित किया। जिस समय पे उद्धव जी की ओर से भगवान श्री कृष्ण की ये चर्चा चल रही थी, उसी समय पे गंगा मैया ने कहा कि आज जो आप कह रहे हैं ये सत्य है, या मतलब जो आज से मुझे लाने के लिए कहा गया था वो, क्योंकि यदि आप जा रहे हैं तो मेरी ज़रूरत नहीं, मैं भी चल दूं। गंगा मैया तैयार हो गई। अब गंगा मैया तैयार हो गई तो लाल जी बड़े घबराए, क्योंकि राम जी ने कहा था कि मुझे मतलब लाल जी जिस समय कहे थे राम जी जा रहे थे कि मुझे बहुत संतप्त होगा, बहुत कष्ट होगा आपके विग्रह उसका, तो उन्होंने कहा था आप प्रयाग भूमि में जाएं। तो वहाँ लाल जी आके विश्राम कर रहे हैं, संतों का माघ मेले में सुंदर आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जब गंगा मैया जाने के लिए हुई तो लाल जी तुरंत खड़े हुए कि भगवान जारी व्यवस्था, जब गंगा मैया चली जाएंगी तो संत क्यों आएंगे। तो गंगा मैया ने कहा जैसे जैसे मैं जाने के लिए उद्यत होंगी वैसे भगवती रेवा भक्तों के मन में ऐसे भाव लेकर के विराजमान हो जाएगी, आप रेवा भूमि में जाएं। तो लाल जी वहाँ से अपने रेवा भूमि में आ गए इधर, और क्योंकि यहाँ के जो लाल जी का स्वरूप है ऐसा किसी शिल्पकार की शिल्प की कला नहीं है, और यहाँ जो भी वयोवृद्ध मिले हैं उन्होंने यही कहा है कि ये गंगा मैया की नर्मदा जी के जल के थपोड़ों से निर्मित मूर्ति है, अथवा नर्मदा जी में ही प्राप्त हुई है। और ऐसा सबका मानना है, क्योंकि लाल जी के शरीर के एक एक रोम झलकते हैं, और कलयुग के लगे 5000 वर्ष हो भी गए हैं, तो उसके अनुसार यदि कहा जाए कि क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि लाल जी की यहाँ कब स्थापना हुई, उन्होंने कहते हैं इस वृक्ष का की कल्पना 1000 वर्ष की जाए तो कम नहीं है, और लाल जी सदैव से यहाँ विराजमान है। तो यहाँ पर कई लोग आते होंगे, अर्जियाँ भी लगाते होंगे भगवान के सामने। आप कुछ देर तक बैठ करके यदि अनुभव करेंगे तो लाल जी को का स्वयं स्वरूप आपको कई रूपों में दर्शन मिलेगा। अब यदि 10 मिनट 15 मिनट उनकी ओर निहारते हुए बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि उनका रूप में परिवर्तन हो रहा, कभी उनके चेहरे में मुस्कान आ रही है, कभी किसी और भक्त की ओर निहार रहे हैं,
कदाचित हम कोई छल कपट करके आए हैं उनके यहाँ तो हमको क्रोधमय रूप उनका दिखेगा, हमें एहसास करा देंगे कि हम कोई गलती करके आए हैं और उसके प्रायश्चित के लिए वो दंड रूप में हमको क्रोध मुद्रा से देखते हैं, और यदि हमने कोई अच्छा कार्य किया है तो उनकी सौम्य मुद्रा। और हर भक्त अनुभव करते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, हर भक्त आते हैं उनको यदि वो बैठते हैं तो उनका स्वयं का अपना अनुभव होता है कि लाल जी हमको आज किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो आपने बताया कि ये जो है प्राकृतिक रूप से भगवान का निर्माण हुआ है, नर्मदा मैया के थपेड़ों से, जल के थपोड़ों से निर्मित लाल जी का स्वरूप है ये। हाँ, तो हनुमान जी को सबसे प्रिय चीज कौन सी है जो ज्यादातर जो भक्त आते हैं उनको चढ़ाते हैं? राम, उसे हनुमान जी को यदि प्रिय चीज पूछेंगे तो सबसे प्रिय तो राम जी का नाम है, वो तो उन्हीं में राम में ही रमे हुए हैं। और भक्तों का मानना है कि वानर रूप में अवतरित हुए हैं तो चना और गुड़ विशेष प्रिय है, या सुंदर सुंदर बेसन के लड्डू प्रिय हैं, यही भोग ज्यादा लगता है। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को जो है सिंदूर ज्यादा पसंद है, ऐसा क्यों? सिंदूर, ये एक बार उनके मन में भाव आया था कि लाल माता रानी थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं जानकी जी, तो राम जी इतने उनसे अनुराग उनसे प्रेम रखते हैं तो मैं पूरे शरीर में लगा लूं तो मुझसे तो इनसे भी अधिक अनुराग उनका बढ़ जाएगा। और उन्होंने अपने पूरे शरीर में चोला बंधन सिंदूर का कर लिया और जाके राम जी के चरणों में समर्पित हो गए। अच्छा पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान है, बाकी सारे भगवान तो चलेगा, लेकिन अभी कलयुग की बात कर रहे हैं तो हनुमान जी जो है अमर हैं। हाँ, ये माता जानकी ने जिस समय पे लंका में लाल जी गए थे वहाँ उन्होंने वरदान दिया था अजर अमर का। और वैसे भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि 12 हमारे अमर हैं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना, ये 7 अमर हैं। किसी को माता का वरदान है, किसी को किसी संत का आशीर्वाद अथवा उनकी उनके वरदान से वह जीवित हैं, और कोई श्राप के कारण अपने प्रायश्चित के कारण अमर हैं। अश्वस्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया था कि तुम मौत को गले लगाना चाहोगे लेकिन मौत तुम्हें नहीं स्वीकार करेगी। और आज वह, क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया था, छोटे छोटे शिशुओं का वध किया था, वो भी जिस समय सो रहे थे, जिस कारण से उनको श्राप है। और परशुराम जी को तो वरदान है, वो भी अमर हैं। हमारे लाल जी को माता रानी का वरदान है कि आप कलयुग में सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ होंगे और आप जितनी इच्छा करेंगे उतने रूप धारण कर लेंगे। और वही कलि काल में लाल जी की जगह जगह सुंदर सेवा होती है। तो यहाँ पर हनुमान भक्त जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद हैं। हाँ, ये उनका दरबार है और यहाँ सबकी अर्जी पूरी होती है। जो भी जिस मनोरथ को लेकर के लाल जी के यहाँ अर्जी लगाता है और 11 परिक्रमा करके उनकी अर्जी, तो वो कुछ दिनों बाद, कहना चाहिए जैसा जिसका जो काज है उसके अनुसार समय लगता है और वह अर्जी पूरी होती है। आपकी नजरों में अभी तक बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने अर्जी लगाई होगी, तो उसमें कौन था जिसकी अर्जी पूरी हुई जो अभी हाल ही में कोई आया हो यहाँ पर? आप हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ था, आपने अर्जी लगाया और आज अपने स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। आप सदैव सुंदर कांड का, हर शनिवार को सुंदर कांड का बड़ा सुंदर गुणगान करते थे। आपकी बीच में तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने कहा कि, और आप खुद बताएंगे विस्तार। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अरुण श्रीवास्तव है। आपके स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ी आ गई थी? मेरे को थोड़ा न्यूरो की प्रॉब्लम थी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी और बब्बा ने उसको भी ठीक किया। सितंबर 2021 में मेरा ऑपरेशन हुआ, तब से मैं थोड़ा चलने फिरने में मुझे आसानी है। और ये दक्षिणमुखी हनुमान जी का प्राकृतिक रूप से शनि को दबाया, नीलांजम सभाभासम रविपुत्रम यमागजम। शनि और हनुमान जी का मेल ऐसा है कि शनि पुत्र है सूर्य के, और शनि जिसको लग जाए उसको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हनुमान का भक्त होता है शनि उस पर बहुत कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शनि प्रारंभ होता है पैरों से,
और उसके बाद ऊपर चढ़ते चढ़ते शनि जब सिर पे चढ़ जाता है तो आदमी बेकाबू हो जाता है, लेकिन जो हनुमान भक्त है उसको शनि का प्रकोप नहीं होता है। मंगल भवन अमंगल हारी और शनि देव सब कृपा तुम्हारी। तो शनिवार भी उनका दिन है हनुमान जी का, मंगलवार भी उनका शनिवार। तो आपकी तबीयत जो है कब खराब हुई थी और आज सही है? तो 2016 में मुझे पता चला था कि कंप्रेशन ऑफ नर्व्स है, न्यूरो की प्रॉब्लम है। तो मैं उसके बावजूद भी आता था नियमित, मैं कुर्सी में बैठता हूँ, नीचे बैठता हूँ तो थोड़ा सा उठने में तकलीफ होती है। अच्छा, तो आपने मतलब अर्जी लगाई और उसके बाद में आपकी सेहत में सुधार आया? मैंने अर्जी अपने मन से लगाया था, ऐसा लिखित में अर्जी नहीं लगाया, पर मेरे सारे काम, मेरे सारे काज, जो कहते हैं ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम अपाही। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा जो ऐसी है कि मेरे सारे परिवार पे, मुझ पे, मेरी पत्नी पे, मेरे बड़े बेटे पे, मेरे बहू पे, मेरे पोते पे, अब मेरे छोटे बच्चे की शादी के लिए मैं प्रयासरत हूँ 1.5-2 साल से, और प्रभु से मैं अर्जी लगा चुका हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 6 माह के अंदर अंदर उसका भी काज पूर्ण होगा। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पर हनुमान भक्तों को उनके भगवान पर कितना विश्वास है। यहाँ पर किसी की सेहत अगर खराब हो जाती है, किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाती है, तो वे उनसे निपटने के लिए भगवान के जो है दर पर जरूर आते हैं। अच्छा, हमारे साथ क्या कहना चाहते हैं?